मेरे प्यारे हिसार वासियों, प्रदेश वासियों, देशवासियों, आज कोरोना वायरस जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और पूरा विश्व आज इस बीमारी को झेल रहा है और हमारा देश जो इस महामारी से लड़ रहा है और आप सबका सहयोग मोदी जी को मिल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आज पूरा विश्व अनुसरण कर रहा है उनका, कि उन्होंने जो फैसले लिए, कठोर फैसले लिए जो, और वो आज वो कठोर फैसले पूरे विश्व, जो अमेरिका, इटली जैसे देश जो जहां मेडिकल फैसिलिटी इतनी मजबूत है और हमारे देश में जहां मेडिकल फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मोदी जी के निर्णय से हमारे देश को जो मजबूती मिली है और आप सबके सहयोग से जो मजबूती मिली है, लॉकडाउन का जो पालन पूरे देशवासियों ने, पूरे हरियाणा वासियों ने, हिसार वासियों ने जो किया है, मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और ऐसे ही ये लड़ाई जीतने के लिए हमें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहें, हमें वैसा करना है, क्योंकि जब फौज लड़ती है और जो कमांडर के आदेश होते हैं वही आदेश का जो पालन करते हैं वही फौज जीतती है। और आज एक फौजी की तरह हमें प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन जरूर करना है। हमें उन्होंने दिए जलाने के लिए कहा तो आप सभी ने इतने दिए जला दिए पूरे देश में, इतना आपने धन्यवाद किया सभी, जो इस दुविधा की घड़ी में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे निगम कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, मीडिया कर्मी, जो अपने जान जोखिम में डालकर, सामाजिक संस्थाएं जो ये जान जोखिम में डालकर आप सबके लिए जो एक वातावरण, जो आपको जीने की जरूरी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करा रही हैं, तो इनके लिए जो मोदी जी ने दिए जलवाए, आप सब ने दिए भी जलाए और सभी कर्मचारियों का आपने धन्यवाद भी किया और थाली बजाकर भी धन्यवाद किया। ऐसे ही हमें मोदी जी के जो एक आदेश या प्रार्थना, क्योंकि वो हमेशा आदेश नहीं करते, हमेशा प्रार्थना शब्द यूज करते हैं आपके आगे, लेकिन हमें उस प्रार्थना को भी आदेश समझना चाहिए, क्योंकि आप विश्व में आज देख रहे हैं कि कैसे ये महामारी फैली और कितनी मौत हो रही है और कितने लोग, कम जनसंख्या वाले देश भी कितनी ज़्यादा पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन हमारा देश 130 करोड़ देशवासियों का जो देश है, इनको बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, एक जो मैं तो उनको देवता स्वरूप मानता हूँ, कि उन्होंने जो ये निर्णय लिए 130 करोड़ भारतवासियों को बचाने के लिए और गरीब व्यक्तियों के लिए, जो उन्होंने आज कोई भूखा ना रहे ऐसी योजना 80 करोड़ भारतवासियों के लिए उन्होंने दी, एक उदाहरण है कि ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार से और पूरे देश की ऐसी एक समान देखभाल जो कर रहा है, सभी को राशन की व्यवस्था कराना, कोई व्यक्ति भूखा न सोए, ऐसी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। और हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने भी अनेक घोषणाएं हरियाणा सरकार के माध्यम से सभी के लिए की हैं और आज मैं ये मानता हूँ कि उनके नेतृत्व के कारण, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के कारण, आज कोई भी व्यक्ति भूखा भी नहीं सो रहा। और यो जो संकट आया है, और जब तक हम उनके आदेश का, उनके प्रार्थना का पालन करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम इस कोरोना जैसी महामारी पर आप सभी के सहयोग से जीत हासिल जरूर करेंगे। और हमें करना क्या है, छोटा सा ही काम बताया उन्होंने, यदि हम समझे तो, घर पर ही रहना है, अपने परिवार के साथ ही रहना है कुछ पल। आज 21 दिन का जो लॉकडाउन है, 21 दिन हम अपने परिवार के साथ बैठे और कोई भी बाहर ना निकले, हर 15 मिनट में हाथ धोएं। जो हमें कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए, हमें बार बार आप टीवी पे भी देखते हैं, विज्ञापन भी और हर एक कंपनी भी और सभी मीडिया के चैनल भी अपनी तरफ से एक ऐड भी लगा रहे हैं सभी, कि हमें इस बीमारी से जूझने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, बार बार हाथ धोने हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है। अति आवश्यक काम, आपको घर बैठे ही सुविधाएं दी गई हैं, दूध आप घर मंगा सकते हो, किराने की चीज़ आप घर मंगा सकते हो, दवाइयां तक आप घर मंगा सकते हो, तो हमें बाहर निकलने की जरूरत क्या है। आज
यदि हम सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस वायरस पर, कोरोना जैसे वायरस पर जीत जरूर हासिल करेंगे। और आज पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री जी का अनुसरण कर रहा है और सब कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो निर्णय किया राष्ट्र हित में वो बिल्कुल ठीक है। आर्थिक अर्थव्यवस्था, अब पहले दूसरे देश कहते थे आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आज मोदी जी ने सभी को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले तो जीवन बचाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। उसके बाद आर्थिक व्यवस्था तो जब जीवन होता है सुधर जाती है, और आज हम इस ओर निरंतर बढ़ रहे हैं कि हम कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने की ओर है। और इस सब के लिए आप सबका जो सहयोग है वो अनिवार्य है। आप सब लोग डिस्टेंस बनाकर रहें और घरों में रहें तो ज़्यादा अच्छा, सभी अपने घरों में रहें। और मैं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, निगम कर्मचारियों के लिए, पुलिस कर्मचारियों के लिए, हमारे मीडिया के कर्मचारियों के लिए, और ऐसी अनेक हर शहर में आज सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लोग, जो अपने शहर में कोई भूखा न रहे ऐसी भोजन की व्यवस्था किए हुए हैं। सरकार ने भी राशन बंटवा कर 3 महीने का राशन जो है गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को जो 3 महीने का राशन मुफ्त में दिया है। तो ऐसी सरकार की योजनाएं भी और जनता के जो सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन जो मिलकर कार्य कर रहे हैं, और जो कर्मचारी हमारे कार्य कर रहे हैं वो आप सबके लिए कार्य कर रहे हैं। आप सब उनको ध्यान में रखते हुए कि आप लोग तो घर में बैठे हैं और हमारे जो ये कर्मचारी हैं, हमारे सामाजिक संगठन के लोग हैं, वो आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं, तो आप सब इनको देखते हुए, इनकी सेवाओं को देखते हुए, इनके सेवाओं को प्रशंसा करते हुए आप अपने घरों से ही, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इनका धन्यवाद कर सकते हैं। और घर में रहकर आप एक फौजी की भूमिका निभा सकते हैं। आप सब यदि इसमें सहयोग बनाए रखेंगे, क्योंकि बार बार सब डिस्टेंस से, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस से ही हम इस कोरोना वायरस जैसी महामारी पर जीत हासिल कर सकते हैं। और इस समय संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री जी ने हम सभी से अपील की है कि जो सामर्थ्य लोग हैं, हमारे कर्मचारियों ने भी प्रधानमंत्री केयर फंड में काफ़ी पैसा डाला है, काफ़ी लोगों ने इसमें डाल भी रहे हैं। आप सभी से भी अपील करता हूं मैं, चाहे आप 100 रुपये का योगदान दें और जो अपनी आपकी आर्थिक स्थिति उस हिसाब से दें, ज़्यादा से ज़्यादा इस फंड में आप प्रधानमंत्री जी को सहयोग करें। और प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का भी फंड है और मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना से लड़ने के लिए फंड बनाया उसमें भी आप सहयोग कर सकते हैं। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे तो गरीब व्यक्ति के ही काम आएगा। सरकार आप सबके लिए है और सरकार जो आपने चुनकर भेजी है वो पूरी तरह से जनता की सेवा में लगी हुई है और आप सबकी सेवा में हाजिर है। आप सबका, मैं सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का, निगम कर्मचारियों का, पुलिस कर्मचारियों का और सबसे ज़्यादा मीडिया कर्मचारियों का, क्योंकि आप सब तक जो संदेश मीडिया पहुँचा रहा है और सभी तो एक सैनिक की भूमिका ये लोग निभा रहे हैं, सभी का तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। और आप सब से यही फिर आग्रह करता हूँ, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना जैसी महामारी पर जीत हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी का सहयोग कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए सहयोग कीजिए।
मैं आप सब से, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं, इन्होंने भगत सिंह को हमेशा अनुसरण किया है, हमेशा जो है ऐसे क्रांतिकारी हमारे देश में हुए हैं, और ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो हम बाहर रहकर या युद्ध लड़कर नहीं जीत सकते। ये लड़ाई ऐसी है कि इस लड़ाई में हमें घर बैठकर ही ये युद्ध लड़ना है, और घर बैठकर ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं, क्योंकि मेरे देशवासियों का एक जो नेचर है वो ये रहा है आज तक कि हमने हमेशा, जब भी हमारे देश पर संकट आया है, हमेशा युद्ध लड़े हैं और जीते हैं। लेकिन आज जो है हमारे आगे जो कोरोना जैसा संक्रमण जो फैल रहा है, इस पर जीत हासिल करने के लिए हमें ये युद्ध घर पर रहकर लड़ना है, सोशल डिस्टेंस बनाकर लड़ना है। और मैं निश्चित तौर पर यकीन से कह सकता हूँ कि जैसा जो आप लोगों ने अभी तक ये अनुपालन किया है, प्रधानमंत्री जी के आग्रह का जो पालन किया है, यदि हम ऐसा बनाए रखते हैं, बार बार 10-15 मिनट में हमने हाथ ही धोने हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, और स्वच्छता का जो ये माहौल बनाए रखना है, और बार बार जब हाथ धोएंगे हम, ऐसी जो प्रिकॉशन जो हमें बताई गई है वो रखेंगे, तो कोई कोरोना जैसा जो संक्रमण जो है ये फैलेगा नहीं। और इस पर डरने की भी जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो है ये सावधानियां बरतने की जरूरत है, और ये सावधानियां हम बरतेंगे। और मैं निश्चित तौर पर जो कह सकता हूँ, क्योंकि देश ने हमें हमेशा दिया है, हमें अच्छा शिक्षा दी है, अच्छी चिकित्सा दी है, अच्छे हम लोग यहाँ व्यापार करते हैं, अच्छा हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा सब कुछ हमें इस देश ने दिया है, इस धरती ने दिया है। आज हमें, आज हमारी जरूरत जो देश को पड़ी है, क्योंकि मैं शब्द इसलिए कह रहा हूँ, आज जो देश आपसे जो मांग रहा है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह कर रहे हैं देश को बचाने का, वो आप सब लोग कर सकते हैं। और इसके लिए हमें घरों में ही रहना है, 15 मिनट बाद हाथ धोने हैं, हमें बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाती है हमें उनका पालन करना है। यदि हम इन सभी बातों पर पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस कोरोना वायरस पर जरूर जीत हासिल कर लेंगे, और जीतेंगे, क्योंकि हमें भारत हमेशा जीतता आया, हमारा देश जीतता आया, और फिर एक बार हम जीतेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जो आज विश्व में इनके नाम का डंका बज रहा है, और भारत देश एक दिन विश्व गुरु पहले भी था और आज फिर विश्व गुरु बनने की ओर है, और पूरे के पूरे 200 के से अधिक देश जो अनुसरण हमारे मोदी जी का कर रहे हैं, और एक मिसाल प्रधानमंत्री जी और हमारा देश, क्योंकि जिसके देश के मुखिया का नाम होता है पूरे देश का ही नाम होता है, आज भारतवर्ष पूरे विश्व में जो इस सबसे पहले जो जीत हासिल करने वाला देश होगा वो हमारा भारत होगा, और भारत देश होगा। और वो किसके कारण होगा? आप सभी के कारण होगा। आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और नियमों का पालन करें इस महामारी को रोकने के लिए, देश का सहयोग करें, और ये सहयोग मुझे निश्चित तौर पर यकीन है आप लोग जरूर करेंगे और हम जरूर जीतेंगे। मैं सुरेश सरदाना, प्रेसिडेंट लायंस क्लब हिसार सिटी से हूँ। ये सारी संस्थाओं की तरफ से ये इकट्ठा करके जो पैसा होता है वो इस मिशन में दे करके और ये सेवाएं करके यहाँ अटूट लंगर चलता है, 24 घंटे लंगर चलता है, किसी को भी यहाँ भूखा रहने की जो है ना कोशिश नहीं की जाती है। दूसरा, ये जो हम सेवा कर रहे हैं, हमारे जो साथी सेवा कर रहे हैं, निरंकारी मिशन के लोग सेवा कर रहे हैं, ये मोदी जी के आह्वान पर सेवा कर रहे हैं। आज मैं जैसे फिगर देख रहा था तो 5,000 से ऊपर कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो है ना अब उनको ढूंढ दिया गया है। लेकिन ये जो उन्होंने मिशन दिया है, देश का राजा जब अपने देश की प्रजा से ये कहता है कि आप मेरे हाथ जोड़ करके मुझे कहता है कि आप मेरे साथ आओ और इस मिशन में, इस महामारी से लड़ने में मेरी जो है ना सहायता करो, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा भयंकर और कितनी बड़ी त्रासदी है हम सब लोगों के लिए। हमें जागरूक होना चाहिए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे आह्वान किया है उसी आह्वान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, हाथ धोते हुए, गर्म पानी पीते हुए, गरारे करते हुए, जनसेवा करते हुए, सभी
मिलजुल कर और इस जो है ना महामारी से लड़ने का हम पूरा प्रयास करें। दोस्तों, अर्थव्यवस्था तो फिर भी संभाल ली जाएगी, लेकिन जो मानसिक जो मानव की क्षति होगी उसको संभालना हमारे देश के लिए बहुत कठिन। ये जो कोरोना के स्थापित जो मजदूर यहाँ हैं, जो रोजी रोटी नहीं कमा सकते, उनको जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मिशन द्वारा दोनों टाइम का भोजन कराया जा रहा है, जिनका सारी संस्थाएं, खासतौर से निरंकारी मिशन, बाकी सारी संस्थाएं यहाँ सहयोग कर रही हैं, जिसमें मैं अशोक बाबू, सुभाष मार्केट प्रधान भी, मेरी देखरेख में ये सारा काम किया हो। जैसे मोदी जी का आह्वान है कि आप अपने आप में एक फासला बना के रखें, इस बीमारी से लड़ें, ताकि आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, देश स्वस्थ रहे। मैं पार्षद प्रीतम सैनी, वार्ड नंबर 15 चार से, जो मोदी जी ने आह्वान किया है, जो आपदा हुई है देश पर, उसके आह्वान में कहा है सभी संस्थाओं को और को कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। मोदी जी के आह्वान से सारा प्रशासन, सारी संस्थाएं, सारा शहर किसी को भूखा ना रहे, इसलिए खाना बनाकर बांट रहे हैं, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना रहे, सबका सहयोग लेकर मोदी जी के आह्वान पर ये सारा कार्य चल रहा है। इस विपदा से लड़ने का सारे भाई आपस में सहयोग करें और विपदा से विजय हो। जिला प्रशासन के देख रेख के अंदर हमारे सारे वॉलंटियर जो इस समय इस सेवा महान सेवा के अंदर लगे हुए हैं, हमारा मकसद यही है कि अब हिसार के अंदर कोई भूखा ना सोए और सभी तक खाना पहुँचे, इसीलिए हम दिन रात इसी सेवा के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद। कोरोना एक ऐसी बीमारी आई है जिसको देखते हुए पूरा देश परेशान है और पूरे देश में खाने की व्यवस्था की जा रही है, पूरे देश में किसी तरह का कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए, किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे। निजी संस्थाएं, सभी संस्थाएं इस कार्य में लगी हुई हैं, दिन रात भोजन की व्यवस्था की जा रही है, हर जगह जगह पहुंचाया जा रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे, खाने की कोई गरीब भूखा ना सोए, किसी को खाने की परेशानी ना रहे। और इसी तरह मार्केट का, बाजार वालों का भी सहयोग बना हुआ है। आजकल जो ये बीमारी फैली हुई है कोरोना, इसमें समूचा विश्व ही लपेटे में आया है। इसमें सब जगह जो इकोनॉमिक्स है बिल्कुल वो नीचे आई हुई है। इसमें जो भारत देश है उसमें गरीबी इतनी है कि इसमें व्यक्ति जो है अभी ताज़ा कमाने वाला व्यक्ति है, या भारत में जो रहने वाला व्यक्ति है वो ताज़ा कमाता है, ताज़ा खाता है। इसलिए गरीबी से जो नीचे रहने वाले हैं उनके लिए सामाजिक संस्थाओं ने, जैसे निरंकारी मंडल है या अन्य कई सामाजिक संस्थाएं हैं, जो प्रशासन ने भी, निगम ने भी काफ़ी सहयोग दिया है हमें। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी सिखलाई की वजह से ये सारा देश ही देश की संस्थाएँ ही समूची मिलजुल के सेवा में लगी हुई हैं। हमने मिलजुल के ही ये सारा इस विपदा को हमने खत्म करना है। यहाँ जो कोरोना की बीमारी फैली है ऑल ओवर भारत के अंदर, इसका लड़के सब ने मिलजुल के सारा ये लड़ाई का इस लड़ाई को ख़त्म करना है इसकी। और सेवा जो करे यहाँ पर, हम लंगर हर एक महात्मा के घर पहुँचे जो भूखा ना रहे, इसलिए हम सब लगे हुए हैं। नमस्कार जी, मैं प्यारेलाल हलवाई हिसार से, जो मैं निरंकारी मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। सेवा का मौका जो हमें मिला है हमारे सदगुरु के बड़े सदगुरु कृपा से, हम जो कि सेवा करना चाहते हैं मानव तक। हिसार के लोग काफ़ी जो हैं इसमें सेवाएँ कर रहे हैं, कोई कन से कर रहा है, कोई कन से कर रहा है, कोई धन से कर रहा है। जब भी देखो तो ना कोई जो है सामान आ रहा है, कोई सब्जी आ रही है, तो फ्रूट आ रहा है, तो पूड़ी है, कोई छोले है, इस प्रकार के लोग भी जो है सेवाएँ यहाँ ले भी रहे हैं, तो लेके भी जा रहे हैं। भाव जो है यही है कि ऐसा यानी मिशन में सभी को जो है वो बस्तियों में जा रहे हैं, 16-17 सेक्टर में, 14 सेक्टर में, जहाँ जहाँ भी है हमारे जो है ना वॉलंटियर है, वो जब जा के भाग भाग के सेवाएँ ले रहे हैं, वो दे के भी आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ का जो है हिसार का जो है वो वहाँ के जो है स्थानीय, वो सभी को जो है ना एक किस्म का जो है धन्यवाद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान वालों ने सेवाएं करी हैं। मैं सबका जो है धन्यवाद करता हूँ। मैं अशोक, जब से हमारे देश में ये कोरोना की समस्या आई है पिछले 15-20 दिनों से,
तब से मैं इस समाज सेवा के काम में लगा हुआ हूँ। इस दुख की घड़ी में जब ये विपदा कोरोना के रूप में हमारे देश में आई है, तब से प्रधानमंत्री जी के आदेश पे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं इस समाज के लिए, इस समाज के उन लोगों के लिए जो इस समय मजबूर हैं खाना खाने के लिए, उनके लिए हम ये सेवा का कार्य कर रहे हैं। और जल्दी से जल्दी भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, जल्दी से ये कोरोना नाम की जो बीमारी है हमारे यहाँ से ख़त्म हो। आज जो पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई है कोरोना, इससे हमें फिलहाल बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनाना चाहिए। और एक मेरा मेन जो मेरा संदेश है वो ये है कि पूरे अपने आसपास में हमें देखना चाहिए कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है फिलहाल, और उनको जा जा करके हम अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट करेंगे तो उसमें बहुत महत्व रखेगा वो। एक अगर हम अपने अपने यहाँ से एक भी किसी बंदे को सहारा लगा सके तो।